सज्जनता, सरलता और विद्वता की प्रतिमूर्ति। माननीय, नमस्कार आदरणीय, आज हम लोग एक ऐसे मंत्र के विषय में बात करेंगे जिसको अगर हमने सिद्ध कर लिया तो हमारे पास पैसे की बारिश होने लगेगी। हमारी जितनी भी आध्यात्मिक किताबें हैं, जितने भी हमारे धर्मों की किताबें हैं, उनमें सब में ये बताया गया है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, मनुष्य के अंदर कितना पावर है। यह शक्ति जिसने पहचान लिया वो ज्ञानी हो गया, जो नहीं पहचान पाया वो साधारण जीवन व्यतीत करके संसार से चला जाता है। तो उस शक्ति को पहचानना ही, और उसको पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, आज उसी पर हम लोग बात करेंगे। जैसा हमारे ऋषि मुनि बताते हैं कि हम मंत्र को, अगर एक मंत्र को कई बार जाप करते हैं, कई वर्षों तक जाप करते हैं, और ऋषि मुनि जो होते थे वो कई वर्षों तक एक मंत्र का जाप करते थे और उसको सिद्ध कर लेते थे, पूरी सिद्धत और लगन से उस मंत्र को जापते थे और उसको सिद्ध कर लेते थे। पहले तो उनको बहुत समय लगता था, उसके बाद जब एक बार भी बोल देते थे तो वो मंत्र उस आदमी के लिए सफलता का द्वार खोल देता था। इसी तरह आज के समय में हम अपनी अगर कोई एक इच्छा, कोई अफर्मेशन, कोई विश को लेते हैं और पॉजिटिवली लेते हैं, सकारात्मक तरीके से लेते हैं, और उसको तब तक बोलते हैं जब तक कि वो हमारे जीवन में हो ना जाए, हमारी वो इच्छा, हमारी विश, हमारी अफर्मेशन पूरी ना हो जाए। तो इसके लिए हमको अफर्मेशन को बोलना कैसे होता है, वही मंत्र है। मान लीजिए कि हमको धनवान बनना है, हमको करोड़पति बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, करोड़पति बनना है, तो करोड़पति बनने पर एक वीडियो हमारा और है, उसको आप देख सकते हैं। तो जो भी आपकी इच्छा है, जैसे आपको इंजीनियर बनना है तो हमको क्या बोलना होगा, मैं इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। मैनेजर बनना है, मैं मैनेजर हूँ, मैं मैनेजर हूँ। मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। मैं फला बैंक का मैनेजर हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। जो भी आपकी इच्छा है उसको आपको इस तरीके से बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है। पावर ऑफ स्पीकिंग, ये अफर्मेशन की एक टेक्निक होती है, इसको आपको बोलते रहना है, वर्ड्स को बोलते रहना है। और जब आप इसको लगातार बोलते रहेंगे तो देखेंगे कि एक समय ये होना स्टार्ट हो जाता है और यही सिद्ध हो जाता है आपका मंत्र। तो आप इसको सिद्ध कर सकते हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर्स हैं, यू आर द क्रिएटर्स ऑफ योर लाइफ। ईश्वर ने हमें बहुत बड़ी शक्ति दी है, तो आप इस तरीके से करिए और अपनी इच्छाओं को पूरा करिए। ये जीवन अनमोल है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जीवन सिर्फ और सिर्फ एक है। थैंक यू।